जय हिंद। आप सभी एक्स सर्विसमैन का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में एक्स सर्विसमैन के लिए वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस इंस्टीट्यूट में एक्स सर्विसमैन के लिए कौन कौन से पदों पर वैकेंसीज निकली हुई हैं, उनकी योग्यता क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, आपका पे स्केल क्या होगा, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको और किस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो ए टू जेड डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करके बताने वाले हैं। तो यह है दोस्तों वो नोटिफिकेशन जिसमें पूरी की पूरी डिटेल दी गई है। इस नोटिफिकेशन को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि मैं मेन मेन पॉइंट्स के लिए एक स्लाइड के जरिए आपको बताता हूँ, तो ये स्लाइड मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की ब्यूटी दोस्तों। तो सबसे पहले तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स की। ठीक है, तो दोस्तों 19 जुलाई से जो है वो ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और ये रहेंगे दोस्तों 19 अगस्त 4:30 बजे तक शाम को। ठीक है, तो यानी कि 19 अगस्त तक आप इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दी हुई है, इस वेबसाइट पर जाकर जो अभी आप वीडियो के स्टार्टिंग में देख रहे थे मैंने खोल के रखी हुई थी, उस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। ये है दोस्तों डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज। तो दोस्तों कौन कौन से पदों पर वैकेंसीज हैं वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ग्रुप बी और ग्रुप सी के पदों पर जो है दोस्तों वैकेंसीज निकली हुई हैं, लेकिन ग्रुप बी का जितने भी पद हैं उसमें एक भी पद एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व नहीं है। मतलब आप ग्रुप बी के पदों पर वैकेंसीज में जो भी हैं उनमें अप्लाई नहीं कर सकते। ग्रुप सी में दोस्तों जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जो मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है और स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकेंड के पदों पर ही एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो कोटा दिया गया है और इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। वैकेंसीज रिजर्व्ड फॉर एक्स सर्विसमैन, तो जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों कि जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, आप इन दो पदों पर वैकेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की जो वैकेंसीज हैं वो हैं दोस्तों 10 और स्टेनोग्राफर की टोटल एक वैकेंसी है जो कि एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व्ड है। बात कर लेते हैं दोस्तों एज रिलैक्सेशन फॉर एक्स सर्विसमैन, तो आपकी जो एज रिलैक्सेशन है दोस्तों वो आपको कितनी मिलेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं दोस्तों तो आपके लिए पता है कि आपकी जो मिलिट्री सर्विस है उसको आपको डिडक्ट करना है आपकी एक्चुअल एज में से, उसके बाद में 3 साल प्लस करना है और आपकी जो एज है वो मैक्सिमम एज लिमिट जितनी दी गई है शायद 35 साल दी गई है, आगे जाकर हम डिस्कस करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों OBC के लिए 6 ईयर्स है और SC ST के लिए ये 8 ईयर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों एजुकेशन पे स्केल एंड अपर एज की। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के पदों की जो है वो डिटेल्स दी गई है कि इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आपका क्या होना चाहिए। तो दोस्तों मिनिमम जो आपकी एजुकेशन है वो 12th पास होनी चाहिए और आपके लिए हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग आना जरूरी है। अगर दोस्तों आप हिंदी की टाइपिंग करते हैं तो आपके लिए 30 वर्ड पर मिनट की जो है वो स्पीड निकालनी होगी हिंदी टाइपिंग में कंप्यूटर पे, और अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करते हैं तो आपको 35 वर्ड पर मिनट की जो है वो स्पीड निकालनी होगी कंप्यूटर पे। उसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं पे स्केल की। तो पे स्केल जो आपका होगा वो पे लेवल 2 होगा एज पर 7th CPC और पे आपकी जो है वो 19,900 से स्टार्ट होगी, मतलब आपकी बेसिक पे। उसके बाद में आपके जो अलाउंसेस रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। अपर एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर दी गई है 30। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की। तो दोस्तों इसके लिए आपको 12th पास होना जरूरी है, उसके बाद में आपको शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आना जरूरी है। ठीक है, शॉर्ट हैंड में जो आपका दोस्तों टेस्ट होगा वो 65 मिनट्स का होगा इंग्लिश का जिसमें आपको, और 75 मिनट्स का होगा हिंदी का जिसमें आपको दोस्तों इंग्लिश में 50 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 65 वर्ड पर मिनट जो है वो शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन करनी होगी, और इसके साथ में आपका शॉर्ट हैंड का भी टेस्ट होगा। पे स्केल दोस्तों यहाँ पर पे लेवल 4 है एक्स सर्विसमैन का और जो आपकी बेसिक पे स्टार्ट होगी वो 25,500 से होगी। अपर एज लिमिट यहाँ पर दोस्तों 27 ईयर्स है। एप्लीकेशन फी फॉर ESM, तो यहाँ पर दोस्तों जो एप्लीकेशन फीस है उसमें आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार जो ये कैटेगरी दी गई है इस प्रकार आपको एप्लीकेशन फीस भी देनी पड़ेगी।
बात करते हैं दोस्तों हाउ टू अप्लाई। तो आपको अप्लाई करने के लिए दोस्तों ओनली ऑनलाइन मोड अवेलेबल रहेगा, वेबसाइट इनकी ये है और ये जो स्टेप्स दिए गए हैं इन पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एग्जामिनेशन सिटीज फॉर सीबीटी। तो आपका जो दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसके लिए एग्जामिनेशन सिटीज मतलब कौन कौन सी सिटी में होगा, तो सबसे पहले तो ये पांडिचेरी है, दिल्ली एनसीआर है, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, सालेम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेवली, उसके बाद वेल्लोर, बेंगलुरु, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम, त्रिशोर, कोची और कोझिकोड़े, कोल्लम और कैन्नूर, ये जो है दोस्तों वो आपकी एग्जामिनेशन सिटीज हैं। बात करते हैं दोस्तों अवॉइडिंग ऑफ मार्क्स की। तो इसकी जो है वो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि जो सिलेबस है और एग्जाम कब होगा वो अभी तक नहीं आया है, इस नोटिफिकेशन में बताया गया है, लेकिन दोस्तों इन्हें मार्क्स की थोड़ी सी डिटेल्स दी गई है कि किस प्रकार आपकी कौन सी चेक होंगी। तो अगर आप करेक्ट आंसर करते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं तो -1 मार्क होगा, और आप अगर आंसर नहीं देते हैं किसी क्वेश्चन का अनअटेम्प्टेड रहता है क्वेश्चन तो उसमें आपको कोई भी ना मार्क मिलेगा ना ही आपका कोई मार्क कटेगा, ठीक है। इंक्वायरी के लिए दोस्तों आप ये जो नंबर हैं, वेबसाइट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर या फिर फिजिकल एड्रेस भी यहाँ पर दिया गया है आपके लिए, अगर कोई भी इंक्वायरी है तो आप इन नंबर पे वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जॉब लोकेशन की। तो दोस्तों ये जो इंस्टीट्यूट है वो पौंडीचेरी में स्थित है, तो जाहिर है कि आपकी जो जॉब लोकेशन होगी वो कहाँ पर है, पांडिचेरी में, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो आपके दिमाग में जो इस वीडियो इस भर्ती से संबंधित है और आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।